हेलो एंड वेलकम टू द मिशन सक्सेस। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11.3 के बारे में। देखते हैं 11.3 के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अगर फर्स्ट की बात करो तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया जिसके अंदर कोई वेरिएबल यूज नहीं करना है और 5, 7, 8 का यूज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लगा के हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। इसके अलावा फिर हमें क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्रेशन के बारे में कि जो केवल ओनली नंबर्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को समझने से पहले हमें क्या क्या समझने की जरूरत है। सबसे पहले उन चीजों को देख लेते हैं जो एक्सरसाइज को समझने के लिए हमें जरूरत है। अगर मैं बात करूँ कुछ वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन की तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, 4 और 5 का यूज किया गया है और 3 + 4 × 5 ये वेरिएबल का एक्सप्रेशन इन्हें बोलते हैं। वैसे हमें एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर देने थे। वैसे बात करूं अगर कुछ वेरिएबल्स की तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो डिस्कस करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज करके वेरिएबल्स को बनाना है। इसके अलावा हमारे पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं और कैसे फॉर्म किया गया है इन्हें हमें समझने की जरूरत है। जैसे यहाँ पे लिखा गया y + 5 तो 5 8 किया गया है y के अंदर, t - 7 7 सब्ट्रैक्टेड किससे, t से, फ्रॉम t, a मल्टीप्लाइड बाय 8 ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x / 3 x / 3 -5 q मल्टीप्लाइड बाय -5 q का मल्टीप्लिकेशन हुआ है -5 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ है x से और 8 किया गया है उस प्रोडक्ट में 2 को। वैसे ही एक्सप्रेशन को हमें समझना होगा कि कैसे हम एक एक्सप्रेशन को लिखते हैं। इसके अलावा मैं डायरेक्टली बात करूंगा आप लोगों से, डायरेक्टली क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को हमें सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि सबसे पहले हमें 5, 7 और 8 का यूज करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल्स देने हैं। यहाँ पे कुछ हिंट भी दी गई है, ऐसे कुछ हमें एक्सप्रेशन भी बनाने हैं। इसके अलावा इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन के अंदर क्या हो गया है, केवल नंबर्स का यूज करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें जो भी करना है आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस, हमें ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है इन फॉर्मेटिंग फ्लोइंग एक्सप्रेशन। इसमें से हमें ऑपरेशन को समझना है एडिशन सब्ट्रैक्शन को। उसके अलावा हमें बताना है कि कैसे इसे हमें फॉर्म कर सकते हैं, मतलब इन्हें हमें फिल्टर करना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगर फोर की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं केसेस के, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। जैसे 7 added to b तो b + 7 हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं और इनको हमें बताना है केसेस में। 11 added to 2m तो 2m + 11 हो जाएगा, 11 subtracted from 2m 2m - 11 हो जाएगा। वैसे अगर बात करूँ कि फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग t एंड 4 का यूज करना है, नॉट मोर देन 1 numbers of operations, एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव t इन इट, हमें t का यूज करके एक्सप्रेशन बनाना है 4 और t का। वैसे ही एक्सप्रेशन का यूज करना है y, एवरी एक्सप्रेशन y में होना चाहिए, 2 operations हमें बताना है, 2 अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशंस को बताने हैं। अगर बात की जाए 11.3 के सॉल्यूशंस की तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन किया है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे मैंने प्लस का यूज किया है 8, 5, 7 का, यहाँ पे 5, 7, 8 का यूज करके कुछ मैंने एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। वैसे अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर की केवल एक्सप्रेशन है, तो अगर मैं आप क्वेश्चन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे जिसके अंदर लिखा है 5 ब्रैकेट के अंदर 21 - 7 + 7 × 2, तो ये सी और डी वाले क्या है, केवल और केवल इसके अंदर डिजिट्स वाले हैं, यही हमें फिल्टर करना था। क्वेश्चन नंबर थ्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, z + 1 में हमें बताना था कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये वाले में डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहे हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, माइनस का 7 + 3 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर p added + 7 बोला गया था, तो ये p में 7 को ऐड कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, p में से 7 के सब्ट्रैक्ट दिया था,
यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया था तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवीजन था, यहाँ पे माइनस सेवन का मल्टीप्लाई था माइनस सेवन का एम में, यहाँ पे माइनस फाइव का मल्टीप्लाई पी से, यहाँ पे डिवीजन का पूछा गया था। मैंने एक्सप्रेशन में यहाँ पे बता दिया जैसे जैसे एक्सप्रेशन बोला गया था, वैसे इसमें वही बताना था 2m plus 11 हो जाएगा इसका 2m minus 11 सब्ट्रैक्शन दिया था, 5y में एडिट किया 3 तो 3, 5y minus 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी के अंदर, क्वेश्चन नंबर ई के अंदर माइनस का 8y हो जाएगा, एफ के अंदर माइनस का 8y प्लस का 5, जी के अंदर 16 माइनस 5y और एच के अंदर माइनस का 5y प्लस का 16। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तो टी प्लस 4, यहाँ पे भी तो टी माइनस 4 और यहाँ पे 4 माइनस टी, फिर 4t हो जाएगा, फिर ये डिवीजन हो जाएगा, फिर इसका अपोजिट मैंने बना लिया है। इन एक्सप्रेशन का यूज करके हमें बताना था केवल टी के फॉर्मेट में, तो जो मैंने की बना दिया है। वैसे वाई का यूज करके बनाना था तो 2y प्लस 7, फिर 2y माइनस का 7, फिर 7y प्लस का 2, फिर 7y माइनस का 2 एंड सो ऑन से चलता रहेगा। तो ये था एक्सरसाइज 11.3, उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप सभी लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई है तो आप उन लोगों तक ये लेक्चर को जरूर पहुंचाइए जो लोग कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।